नमस्कार दोस्तों, बिजी इंडिया में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए, मैंने ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में वीडियो बनाया था। जिस दिन वीडियो बनाया था उसके अगले दिन से इसमें अच्छा खासा अपर सर्किट लगना शुरू हो चुका। आज सेकेंड डे था जो अपर सर्किट में गेम चल रहा है। वहीं बात करें सुजलॉन एनर्जी ओरिएंटेड ग्रीन पावर के बारे में, हमने वीडियो बनाया और ओरिएंटेड ग्रीन पावर में ऑलरेडी अपर सर्किट चल रहा है। देखिए, आप कहेंगे कि अपर सर्किट चल रहा था, हमें कैसे फायदा हुआ? कहीं आप अपर सर्किट में चाहते हैं कि एंटर करना? देखिए, मैं आपको बता दूं, ओरिएंटेड ग्रीन और सुजलॉन एक पैनिक स्टॉक है। इसमें जब भी इन्वेस्टमेंट करिए, थोड़ा सा अमाउंट 2000-4000 रुपए डालिए, अधिक अमाउंट आपको नहीं लेना है। कोई भी पैनिक स्टॉक है, जिस तरह आप खाने में आप खाना खाते हैं, कोई भी जैसे कि आप सैलेड लेते हैं, अचार लेते हैं, कितना अमाउंट लेते हैं, थोड़ा सा अमाउंट लेते हैं ना, इसी तरह अपने खाने में थोड़ा सा एनर्जी, मतलब थोड़ा सा पैनिक स्टॉक आप लीजिए। और पोर्टफोलियो में ये चीज होना चाहिए क्योंकि पैनिक स्टॉक में भी पैसा बनता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हुआ बनते हुए। इसी तरह आज हम बात करेंगे जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में और जील इंटरप्राइजेस लिमिटेड के बारे में, और इनके बीच के बिजनेस के बारे में समझेंगे और किसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसमें हमें ट्रेडिंग करना चाहिए, ये भी बात हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। देखिए, जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में हम बात करें तो ये सब्सिडरी है जी इंटरप्राइजेस लिमिटेड का, बट इसके बिजनेस के बारे में देखेंगे तो बिजनेस डाइवर्सिफाई है। जी मीडिया कॉर्पोरेशन का जो बिजनेस है वो काम करता है जी बिजनेस न्यूज आपने देखा होगा, जो सिंघवी साहब चलाते हैं वो आपने देखा होगा, देखते होंगे आप, और जो आपका जी न्यूज है, जी महाराष्ट्र न्यूज है, मराठी न्यूज है, जितने भी न्यूज से रिलेटेड है वो जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड मैनेज करती है। और वहीं इनकी बात करें, होल्डिंग की बात करें तो होल्डिंग में आप देखेंगे यहाँ पे प्रमोटर के पास 8.52% होल्डिंग है, वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 7.64% है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन पर 0.80% है। देखिए, ये बात रही होल्डिंग की। वहीं बात करें, देखिए किसी भी पैनिक शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक चीज का ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? कि एक पैनिक स्टॉक प्रॉफिटेबल है कि नहीं, उसके बारे में डिस्कस करना जरूरी होता है। कहीं प्रॉफिटेबल है तो जरूर पैसा लगाइए, आपका जरूर पैसा बनेगा। देखिए, ए जी मीडिया कॉर्पोरेशन का बैलेंस शीट है, यहाँ पे रिजर्व की बात करें तो 357 करोड़ रुपए का बैलेंस शीट है, मतलब रिजर्व है। वहीं बारोइंग की बात करें तो 264 करोड़ रुपए का, मतलब कि कुछ भी बारोइंग नहीं है, जब चाहेंगे तब पे कर सकते हैं। वहीं बात करें प्रॉफिट लॉस की, बात करें रिवेन्यू की, बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे सेल्स के बारे में, देखेंगे सेल्स भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है कंपनी में। सेल्स पर ईयर इंक्रीज किया है, पर ईयर इंक्रीज किया इनके सेल्स में, पर ईयर इंक्रीज किया है। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी कुछ टाइम के लिए लॉस में गई थी, बट कंपनी मार्च 2021 में अच्छा खासा 76 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा के दी है। तो क्या लगता है कि आपको जी मीडिया कॉर्पोरेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मेरा मानना है थोड़ा सा अमाउंट 2000-4000 रुपए जी मीडिया कॉर्पोरेशन में आपको डालना चाहिए, 1 से 2 साल के लिए डालना चाहिए, फिर इसमें मजा देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक प्रॉफिटेबल कंपनी, एक प्रॉफिटेबल पैनिक स्टॉक है। ये रहा आपके होल्डिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं जी इंटरप्राइजेस के बारे में। देखिए, जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस की बात करें तो आपको पता है इसका बिजनेस क्या है, जी टीवी, एन टीवी, जी सिनेमा एंड पिक्चर इनके ब्रांड है। अभी फिलहाल में आपको ये भी पता होगा कि जी इंटरप्राइजेस लिमिटेड सोनी के साथ टाई अप करने वाली थी, इसके वजह से इसमें अच्छा खासा तेजी देखने को मिला, बट अभी आप देखेंगे इसमें फिर से तेजी देखने को मिला, इसके वजह से जी मीडिया कॉर्पोरेशन में भी तेजी शुरू हो चुकी है। तो जी मीडिया कॉर्पोरेशन में आप पैसा लगाए, डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा। और फिर वही बात करें जी एंटरटेनमेंट की बात करें तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा, कहाँ पे चलना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा इसमें ट्रेडिंग करना चाहिए कि नहीं, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा इसके चार्ट पे। देखिए, यहाँ पे हमने 1 वीक का ट्रेडिंग चार्ट लगाया, यहाँ पे आप देखेंगे इस कंपनी में जो हाई लगा था 52 वीक हाई लगा था 357 रुपए को, इसको तोड़ के ये निकल चुका है, तो मतलब इसमें और तेजी बन सकती है। बट यहाँ पे देखेंगे आज थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला था, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, क्योंकि इसका जो सपोर्ट था 376 का तोड़ते हुए
वो नीचे आया था, फिर उसके बाद कम बैक करने की कोशिश किया है। बट इसका जो नेक्स्ट लेवल होना चाहिए 404 रुपए का, कहीं 404 रुपए का तोड़ेगा तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है जी इंटरप्राइजेस में। तो अब क्या कहते हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, ट्रेडिंग करना है जिल में और जी मीडिया कॉर्पोरेशन में हमें होल्ड करना है। एक बात रही जी इंटरप्राइजेस की, और भी थोड़ा सा बात करें इनके। देखिए यहाँ पे, जहाँ पे ट्रेडिंग की बात होती तो वहाँ पे आप फंडामेंटल चेकआउट करिए चाहे ना करिए, बट जी इंटरप्राइजेस है, जी इंटरप्राइजेस है तो डेफिनेटली इस प्रॉफिटेबल कंपनी है। आप यहाँ पे देखेंगे तो रिजर्व अच्छा खासा है, 10,254 करोड़ रुपये का रिजर्व है। वहीं बात करें बॉरोइंग की, बात करें तो बॉरोइंग 459 रुपये का, तो मतलब ना के बराबर है। फिर वहीं बात करें सेल्स ग्रोथ की, बात करें तो सेल्स ग्रोथ में भी कमी देखने को मिला है। बट यहाँ पे मार्च 2020 में तेजी देखने को मिला, बट मार्च 2021 में कमी देखने को मिला है। क्यों, इसके पीछे का जो रीजन है, इसके पीछे का जो रीजन है ओटीटी प्लेटफॉर्म, वो आपको भी पता होना चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने बड़े बड़े लोगों को दुविधा में डाल रखा है। फिर वही नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, यहाँ पे 526 करोड़ रुपए और 800 करोड़ रुपए का अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। ये रही बात जी मीडिया और जी इंटरप्राइजेस के बीच क्या डिफरेंस, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कहाँ पे ट्रेडिंग करना है। वही अब बात करते हैं, एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे, वो है सन टीवी, जो अभी तक चला नहीं है। इसके फंडामेंटल की बात करें तो गजब का फंडामेंटल, इंट्रेंसिव वैल्यू ग्रीन है, रिटर्न वर्सेस एफडी रेट ग्रीन है, डिविडेंड रिटर्न ग्रीन है, एंट्री पॉइंट ग्रीन है, और ये क्या कहते हैं, कोई इस पे केसेस नहीं चल रहे हैं। और फाइनेंशियल डेटा देखेंगे तो आप चौकन्ना रह जाएंगे, फाइनेंशियल डेटा भी जबरदस्त है, मुनाफे वाली कंपनी, गजब मुनाफा कमा के देख रहे हैं आप, मुनाफा गजब कमा के दे रही है, बट अभी तक ये स्टॉक चला नहीं है। और होल्डिंग की बात करें तो होल्डिंग में भी आप देखेंगे 75% प्रमोटर के पास है, फॉरेन के पास 8.09% और रिटेल के पास 13.59%, मतलब बहुत कम स्टॉक बचा है, बहुत कम शेयर्स बचा हुआ है। वहीं ओवरव्यू की बात करें तो ओवरव्यू में आप देखेंगे तो यहाँ पे 1.02% का रिटर्न 1 डेज में, 1 वीक में आपका 1.8, 1 मंथ में यहाँ पे -4% का रिटर्न, मतलब अभी तक शेयर चला नहीं है। आप इसमें लगाएंगे तो सन टीवी में आपका पैसा बनेगा, जिस दिन चलना शुरू होगा उस दिन का जब पैसा छाप के देगा। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम देखेंगे 1.09 हाई लगाया था, बट अभी क्या है, अभी रिटर्न कुछ भी नहीं दिया भाई, मैक्स में 47.75% है, मतलब एक चल ही नहीं रहा है। जिस दिन चलना शुरू होगा उस दिन तूफान मचाएगा ये शेयर। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो जरूर सब्सक्राइब कर दे लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी बात करते हैं शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड, जहाँ पे आपका पैसा बन सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।